मैं दौलत शर्मा और आप लिखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब शराब घोटाले के बाद अब केजरीवाल सरकार क्लासरूम घोटाले को लेकर विवादों में घिर गई है। दरअसल हुआ ये कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली के लोकायुक्त ने मनोज तिवारी की आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है। साथ ही दोनों आप नेताओं को 6 मार्च 2024 तक इस मामले में अपना जवाब लोकायुक्त को देना होगा। मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बुधवार को क्लासरूम घोटाले को लेकर लोकायुक्त के सामने पेश हुए। भाजपा सांसद ने लोकायुक्त के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि मैं इस मामले में शिकायत करता हूं। इस केस में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। हम दिल्ली की एक रूल है, एक क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में 30 से ज़्यादा बच्चे ना हों, इसलिए क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन इसके नाम पर भी इन्होंने, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार का बिना नाम लिए कहा कि बड़ा घोटाला कर दिया है, जिसको क्लासरूम घोटाले के रूप में अब दिल्ली में चर्चा होने लगी है। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग जिस लोकायुक्त को ये बार बार दुहाई देते थे, उसी लोकायुक्त ने आज उनको समन जारी कर दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े घोटाले में जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि साल 2018 में मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर क्लासरूम घोटाले में गड़बड़ियों का खुलासा किया था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली तिहाड़ जेल में वो बंद हैं, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से कथित शराब घोटाले के मामले में सलाखों के पीछे हैं। और अब यहां कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ये गाज गिर सकती है, और अरविंद केजरीवाल के मंत्री फिर दोबारा जेल यात्रा करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।